This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडी बस्ते में चल गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट कर कहा कि कल हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल में भी भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। एनसीपी नेता अजित पवार समर्थक विलास लांडे और कुछ नगर सेवक शरद पवार गुट में शामिल होंगे। साथ ही अजित गुट के शहर अध्यक्ष अजित गहवानी भी शरद गुट ज्वाइन करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देवशयनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई है। गंगा के किनारे श्रद्धालुओं का तांता देखा गया है। महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध पंढरपुर वार्षिक धार्मिक यात्रा के लिए शरद पवार ने आषाढ़ी एकादशी यानी 17 जुलाई को खत्म होने वाली यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे को शामिल होने का न्योता दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर की महापूजा में हिस्सा लिया। ओमान में तट पर एक बड़ा हादसा होने की खबर सामने आई है। यहाँ एक तेल टैंकर के पलट जाने से 13 भारतीय सहित 16 लोगों का चालक दल लापता हो गया। अयोध्या में एनएसजी की एक टुकड़ी को स्थायी रूप में तैनात करने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए आज एनएसजी की एक टुकड़ी अयोध्या पहुंच जाएगी। दिल्ली में मुहर्रम के मौके पर ताजिया का जुलूस निकाला जाएगा, जिसके चलते जामा मस्जिद चौक पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े दो मामलों की अदालत में सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आज भारत में दिहाड़ी मजदूरों से लेकर सरकारी कर्मचारी सभी भयंकर तकलीफ में हैं। कोई महंगाई बेरोजगारी से तो कोई सरकार की उपेक्षा से, सबके हक की आवाज उठाऊंगा। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दावा किया है कि यहां से 228 किलो सोना गायब हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया में जॉब के लिए 600 पदों पर बहाली निकली थी। इंटरव्यू देने के लिए 25,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। जॉब के लिए आई भीड़ का वीडियो भी वायरल हुआ है। बारामती में पालखी हाईवे पर कार का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया है। सड़क हादसे में कांग्रेस अध्यक्ष आबा साहेब निंबाळकर की बेटी आदित्य की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के बाद एकनाथ शिंदे की सरकार पुरुषों के लिए एक योजना लेकर आई है। जाने कैसे आपके खाते में 6,000 रूपए से लेकर 10,000 रूपए तक आ सकते हैं। कांग्रेस सांसद शाहू महाराज ने विशालगढ़ किले के साथ लगते गांव में हिंसा प्रभावित लोगों से बातचीत की। उन्होंने घटना को प्रशासन और पुलिस की विफलता बताया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विशालगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास का साक्षी है। ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के साथ या अकेले दोनों तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार एनडीए 90-90-90 का फॉर्मूला अपना सकती है। गदर 2 के रिलीज के करीब 11 महीने बाद एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि फिल्म से उनके और सनी देओल के सीन हटा दिए गए थे। आज के टॉप 20 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।